नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप अंडर 19 फाइनल मुकाबले के बारे में। आज का मुकाबला दोस्तों दुबई में खेला जा रहा है। सबसे पहले श्रीलंका ने टॉस जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो दोस्तों जानते हैं उनका बैटिंग का स्कोर कुछ प्रकार से रहा है। तो आए दोस्तों, आज हम बात करें श्रीलंका की बैटिंग के बारे में। चमिंदु ने 12 गेंद के मात्र 2 रन बनाए, 16.6 इनकी स्ट्राइक रेट रही। रवि कुमार की गेंद पे 52 रन के सपोर्ट उनको आउट कर दिया। उसके बाद 7 लेने लाए, 28 गेंद के लिए 6 रन बनाए मात्र 21.1 लेने की स्ट्राइक रेट रही। उसके बाद कुछ खास प्रदर्शन रहा इस मैच में। और एक गेंद पे आरज यादव ने के सपोर्ट आउट कर दिया। उसके बाद अंजला वांद्रा आया, 33 गेंद में 9 रन बनाए, एक चौका लगाया, 27.2 रन की स्ट्राइक रेट रही। तांबे की गेंद पे एडमिट हो गए। बस साधिश राजप्रकाश आए, 36 गेंद के लिए 14 रन बनाए, एक चौका लगाया, 38.8 की स्ट्राइक रेट रही है। ओसवाल की गेंद पे रसीब ने कैच पकड़ उनको आउट कर दिया। उसके बाद पवन पतिजा आए, 17 गेंद खेल के 4 रन बनाए, 23.5 की स्ट्राइक रेट रही है। तांबे की गेंद पे आउट कर दिया है। इसके बाद रनौड़ा आया, 18 गेंद के लिए 7 रन बनाए, एक चौका लगाया, 38.8 की स्ट्राइक रेट रही है। ओसवाल की गेंद पे इस बार दोस्तों श्रीलंका का मुकाबला कुछ खास नहीं रहा है, एक के बाद एक विकेट चलता गया है। उसके बाद कैप्टन डेनिस ने 15 गेंद के लिए 9 रन बनाए, मात्र एक चौका लगाया, 60.2 की स्ट्राइक रेट रही है। ऑस्ट्रेलिया की गेंद पे बाबा ने कैच लपक करके आउट कर दिया है, बहुत आसान सा कैच। इस बार कैप्टन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। अगले बल्लेबाज रवि 26 गेंद के लिए 13 रन बनाए, एक चौका लगाया, 50% की स्ट्राइक रेट रही है। अगले बल्लेबाज जसरू रुडिज गुरु आए, 13 गेंद के लिए 4 रन बनाए, 30.1 की स्ट्राइक रेट रही। तो दोस्तों कुल मिलाकर 6 विकेट 7 विकेट चल चुके हैं अपनी श्रीलंका टीम। इस बार श्रीलंका बहुत ही बेकार रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय टीम की बॉलिंग के बारे में। उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है आज। विक्की ओस्तवाल ने लगातार 3 विकेट लिए हैं, कुशा तांबे ने 2 विकेट लिए हैं, राजबाव ने 1 विकेट लिया है, रवि कुमार ने 1 विकेट लिया है, बहुत ही कम रन दिए हैं। आज की बॉलिंग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनका बॉलिंग का स्कोर कुछ इस प्रकार से रहा है, जानते हैं स्कोर बोर्ड। तो दोस्तों हम बात करते हैं हिंगरकार की। 7 ओवर फेंके, 1 मैडल निकाला, 16 रन दिए, 2 विकेट नहीं लिया, 2 मिनट है जीको मिनटी 5 वाइट के क्योंकि सीधा को 6 रन दिए। उसके बाद रवि कुमार आए, 6 ओवर फेंके, 1 मैडल निकाला, 8 रन दिए, 1 विकेट लिया, 1.33 कम्युनिटी एक वाइट केस देखी। राजबाव ने 5 ओवर फेंके, 11 रन दिए, 1 विकेट लिया, 2.20 की कम्युनिटी। सुशाल तांबे ने 6 ओवर फेंके, 23 रन दिए, 2 विकेट लिए, 1.36 की कम्युनिटी। इसके उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। 8 ओवर फेंके, 3 लगातार मैडम दो निकाले, 11 रन दिए, 3 विकेट लिए हैं, 1.37 की कम्युनिटी है। निशांत सिंधु ने 1 ओवर फेंका है, 5 रन दिए, 5 की कम्युनिटी चल रही है। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है आज भारतीय बॉलर का। तो दोस्तों आप जानते हैं श्रीलंका के विकेट का पतन कुछ उस प्रकार से होता है। चमिंदु विकेट 4 रन पे पहला विकेट गिर गया था, उसके बाद डेनिस का 15 रन पे दूसरा विकेट गिर गया था 10 ओवर में। उसके बाद अंजला का 31 रन पे तीसरा विकेट, उसके बाद पवन पतिराजा का 37 पे चौथा विकेट गिर गया था 19 ओवर में। उसके बाद सदिशा राजप्रकाशा का 47 पे 5 विकेट गिर गया। उसके बाद नमित का 57 पे 6 विकेट गिर गया था। उसके बाद रुणा का 57 पे 7 विकेट, लगातार विकेट का पतन हुआ इस बार। इस बार श्रीलंका ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया टीम के बारे में। इंडिया ये मैच जीत चुकी है। इंडिया अंडर 19 वन बाय 9 विकेट, 106 का टारगेट दिया था, बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। तो ये फाइनल मैच इंडिया फाइनल जीत चुकी है। तो अब जानते हैं हम इंडिया का स्कोर कुछ इस प्रकार से रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब, रघुवंशी 67 गेंद खेली, 56 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 83.8 रन स्ट्राइक रेट, बहुत शानदार पारी खेली। अनुज सिंह इस बार कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 5 रन बनाकर आउट हो गए। शेख रशीद ने 31 रन बनाए, 49 गेंद खेली, 2 चौके लगाए, 83.26 स्ट्राइक रेट रही। इस हिसाब से रघुवंशी इस बार 56 रन बना के नोट आउट रहे। तो दोस्तों हम जानते हैं श्रीलंका की बॉलिंग के बारे में। श्रीलंका की बॉलिंग का स्कोर कुछ इस प्रकार से रहा है।
देखते हैं श्रीलंका का स्कोर बोर्ड। रेडी ग्रोड ने 3 ओवर फेंके, 1 मिनट निकाला, 12 रन दिए, 1 विकेट लिया। ट्रिवी ने 2 ओवर फेंके, 1 मिनट निकाला, 2 रन दिए मात्र। जनित ने 6 ओवर फेंके, 30 रन दिए। चिमुंदुर ने 2 ओवर फेंके, 11 रन दिए। मृतिशा ने 3 ओवर फेंके, 20 रन दिए। रवीन ने 2 ओवर फेंके, 14 रन दिए। सुदिशा ने 3 ओवर फेंके, 14 रन दिए। इस प्रकार से बॉलिंग का रहा स्कोर इनका। हम बात करते हैं विकेट की, तो इंडिया का 1 विकेट, 1 की हनुमान सिंह का गिरा था, 4th ओवर में 8 रन में 1 विकेट गिरा था। तो ये फाइनली इंडिया मैच जीत चुकी है, फाइनल एशिया कप फाइनल, बाई 9 विकेट से।